दोस्तों आप सबको नमस्कार। आज हम पैशन हावर ग्रुप मीटिंग के बारे में महत्व जानेंगे। दुनिया के हर महान कार्य के पीछे इस शक्ति का हाथ होता है। अगर इतिहास की बड़ी सफलताओं की मनुष्य ने अपने अंदर पैदा हुई जुनून के द्वारा हासिल किया था, तो आज भी आपको कोई बड़ी सफलता बिग सक्सेस प्राप्त करना है तो अपने अंदर उसी बड़ी सफलता को पाने का जुनून द पैशन टू अचीव बिग सक्सेस पैदा करना होगा। जुनून एक ऐसे शक्ति है जो किसी भी इंसान के अंदर अपार ऊर्जा भरा देती है। आप इस ऊर्जा का उपयोग इंसान किसी भी वर्क को कर सकता है, किसी भी लक्ष्य टारगेट को इस एनर्जी को मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस अपार ऊर्जा में इतनी शक्ति होता है कि यदि आप इसका उपयोग करें तो यकीन कीजिए आप प्रत्येक वह कार्य कर सकता है जिसके बारे में आपने यहाँ सोच लिया था कि वहाँ आप नहीं कर सकते। जुनून, यहाँ लगन, पैशन और डेलीगेशन आप से वह सब करवाता है जो आप नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर जुनून को पैदा कीजिए और उस जुनून को अपने सपनों ड्रीम्स के साथ जोड़ दीजिए। ऐसा करने से पता है क्या होगा, आपके सपनों को नए पंख लग जाएंगे और आपका सपना एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके अंदर सफलता प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा डीप डिजायर पैदा होगा कि आप सक्सेस प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के तैयार हो जाएंगे। आप सब अपने सपनों के नए पंख लग जाएंगे और आपके सपना एक ऊंची उड़ान भरने दीजिए। दोस्तों आपको एक समझदारी बड़ा कदम उठाना है। उड़ान भरते हुए सपनों को एक लक्ष्य दे दीजिए। यह लक्ष्य आपके सपनों को एक सही दिशा राइट डायरेक्शन दे देगा और आपका जुनून आपको आपकी मंजिल गोल पर लाकर खड़ा कर देगा। फॉर एग्जांपल, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। 1000 बार असफल फेलियर होने के बाद उन्हें बल्ब बनाने में सफलता मिली थी। सोचा कि कौन सी ऐसी शक्ति थी जो 1000 बार असफल होने के बाद भी उनके हौसला को नहीं तोड़ पाई। इसका सीधा सा उत्तर है उनके बल्ब बनाने का जुनून पैशन था। उन्हें प्रत्येक फेलियर के बाद सक्सेस प्राप्त करने की उम्मीद होप अपने अंदर जुनून से मिलती थी। आपके अंदर का जुनून इनसाइड पैशन आपकी समस्त सोच को एक दिशा में फोकस कर देता है। जब आपकी समस्त ऊर्जा एक दिशा में हरतत आपके टारगेट की ओर फोकस हो जाता है, तब आपको अपने टारगेट के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। इसके लिए हम लोग आज ग्रुप मीटिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे ताकि हम भी इस जिंदगी में कुछ हासिल कर सकें लेने वाला हैं। तो हाँ, सबसे पहले आपको पता है जब तक हम लर्निंग नहीं कर पाएंगे तब तक हैरनिंग तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात, अपने को लर्निंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम चलते ग्रुप मीटिंग। एक्चुअली ग्रुप मीटिंग है क्या चीज़ है, परिभाषा इसका क्या है? एक जगह में दो या अधिक आदमी मिलकर एक या अधिक विषयों पर चर्चा करने के लिए एक साथ मिलता है, इसी को ग्रुप मीटिंग कहते हैं। ये लोग बिजनेस रिलेटेड बातें करना। इस ग्रुप मीटिंग को कोई जगह फिक्स नहीं होता है।
ये ग्रुप मीटिंग करते समय ध्यान देने वाला बात डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वीकली 2 ग्रुप मीटिंग कंपलसरी। आपको हफ्ता में कंपलसरी 2 ग्रुप मीटिंग करना चाहिए। इससे अपना ग्रुप का प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए और तेजी से काम करने के लिए सहायता मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर टीम मेंबर्स को एक दूसरे से परिचय करने में और टीम मेंबर्स को बारे में अच्छा सा जानने में तालमेल के लिए यहाँ पे सहायता मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर ग्रुप मीटिंग या मीटिंग करते वक्त अपने मेंटर या अपलाइनर चीफ गेस्ट बनकर आएंगे, उनको सम्मान करते हुए स्वागत करना है। जब आप मीटिंग लेते वक्त उस समय अपना परिचय देते हुए टीम का मोटिवेशन और मोरल को अप करना है। नेक्स्ट, टीम वर्क। इस ग्रुप मीटिंग से एक दूसरे को पहचान कर एक साथ मिलकर काम करने में मदद मिलता है, काम तेजी से और बढ़ता है। नेक्स्ट, टीम मेंबर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर टीम मेंबर्स की बिजनेस की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट रिलेटेड, चेक रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, लर्निंग रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड एक्सेट्रा, कोई भी उनको प्रॉब्लम होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, लिस्ट प्रिपरेशन। यहाँ पर लिस्ट का बहुत महत्व है। ये महत्व के बारे में बताते हुए टीम को लिस्ट, बड़ा लिस्ट क्या कराना है, प्रिपरेशन करवाना है। नेक्स्ट, डू एंड डोंट्स। क्या करना या क्या नहीं करना, इसके बारे में समझाते हुए, फॉर एग्जांपल, इनविटेशन करते वक्त कंपनी नेम, वर्क, इनकम रिलेटेड बातें पब्लिक प्लेसेस में वगैरह नहीं करना है। ये चीज़ आपने जो भी यहाँ पे टीम मेंबर्स है उनको यहाँ पे सिखा सकते हो, डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग के समय अपने को बहुत सारे सवाल आते हैं, उसको बारे में सही ज्ञान प्राप्त कराना है। उनको जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको हैंडलिंग करने के लिए हम लोग सहायता देना है, उसको हैंडलिंग करने के लिए उनको पूरा जानकारी यहाँ पे प्राप्त कराना है। नेक्स्ट, प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे ग्रुप मीटिंग में दे सकते हो। यहाँ पर लर्निंग रिलेटेड हर काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, प्लान देने में आपका टीम में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो यहाँ पे आप प्लान दोबारा से यहाँ पे देखे, उनको हर चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, प्लान भी यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग का लर्निंग का भी यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि जो भी आपको मतलब लर्निंग एंड ट्रेनिंग के रिलेटेड हर काम यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग। इस ग्रुप मीटिंग में हर किस्म का लर्निंग और ट्रेनिंग दे सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो या ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, को ट्रेनिंग भी दे सकते हो या को ट्रेनिंग अपना मेंटर से ले भी सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर एस्ट्रेप ट्रेनिंग भी दे सकते हो टीम को, यहाँ कोई भी चीज़ का सिखा सकते हो, यहाँ पे सिखा सकते हो। सबसे पहले आपका टीम मेंबर का हर मेंबर को
इतना सिखाना है कि वो भी आगे जाके एक लीडर बन सके। लीडर बनने के लिए सबसे पहले ये 8 स्टेप बेसमेंट आए उस आदमी को बेसमेंट में, क्योंकि जो भी आदमी इस बिजनेस में ज्वाइन होता है ना वो बिल्कुल हंझान होता है। जब ये 8 स्टेप बारे में आपने पूरा जानकारी उनको दे देते हो वो क्या एक लीडर बन जाता है। तो इस 8 स्टेप के बारे में भी मैं अलग से पूरा आपको डिटेल वही समझाऊंगा। अभी ये ख़त्म होने के बाद 2-3 दिन के अंदर वो वीडियो भी आपको अपलोड करूँगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइबर करना है। सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर रिकमेंडेड इंफॉर्मेशन टूल्स, यहाँ पर टूल्स प्रमोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन टूल किट्स, ब्रोशर, फोल्डर्स, बिजनेस रिलेटेड बुक्स रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, नोटिफाई इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को नोटिफाई कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, फ्राइडे ओरिएंटेशन प्लान, संडे प्लान, वीकली प्लान, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा, जो भी है आप यहाँ नोटिफाई करके अपने टीम को इस चीज़ का नोटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इस टीम में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले को रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन करके उनको सम्मान करना है। इससे उनको हौसला बढ़ता है, साथ साथ टीम भी मोटिवेट होता है और काम भी बहुत तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट, पैशन और सक्सेस, यहाँ पे जब इच्छा होगा, पैशन होगा, जोश होगा, जुनून होगा, तब जाके आप सक्सेस बन पाओगे। तो पैशन फॉर द ड्रीम, आपका स्वप्नों को प्रति क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, लगन होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जलन होना चाहिए, तब जाके आप जो भी ड्रीम है उसको पा सकते हो। दूसरा है पैशन फॉर द पीपल, आदमी के प्रति प्यार होना चाहिए। जितना प्यार करोगे उतने ही इस बिजनेस में आप हासिल कर सकते हो, क्योंकि ये काम लोगों का है, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और तीसरा है पैशन फॉर द वर्क, काम के प्रति प्यार, इच्छा, लगन जिस आदमी को होगा उस आदमी काम करके थकता नहीं है। इसके लिए काम के प्रति क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तब जाके वह हर काम आराम से प्यार से कर सकता है, उसको थकावट महसूस नहीं होता है। चौथा है पैशन फॉर द टीम, अपना टीम से जितना प्यार करोगे उतने ही सफल पाओगे। जो आदमी पैशन के साथ काम करता है वही आदमी यहाँ पर सक्सेस पाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे अपना जो भी है टीम है वो बॉस टीम की तरफ से आपको पूरा वीडियो चला है। तो इसका क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लोज करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आप जब पूरा वीडियो देखा है इसके लिए आपको धन्यवाद। जो भी आपको इतना बिजनेस रिलेटेड जो भी वीडियो आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करके आप क्या करना, लाइक करना है, ताकि आपको हर वीडियोस आप तक पहुंच सकें।